हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग कुछ पागलपंती करते हैं। ये मेरे पास क्या है, ये एक नीडल है, सुई है। ओके, क्या हम लोग इस सुई को, ये जो पानी है, इसके ऊपर बैलेंस करवा सकते हैं? आइए देखते हैं। सो अगर हम लोग इसको इसके ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, देखिए किस तरीके से यहाँ पे बैलेंस हो गया। वेरी सिंपली, वेरी केयरफुली आप लोगों को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये फ्लोट कर रहा है और यहाँ पे एक फिजिक्स का बहुत बढ़िया फेनोमेना यहाँ पे लगा है। क्या आप लोग इस फेनोमेना का नाम बता सकते हैं? इस फेनोमेना का नाम है सरफेस टेंशन, यानी कि ये जो द सरफेस ऑफ वाटर बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, जिसके कारण ये जो नीडल है, यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है। थोड़ा यहाँ पे जूम करके दिखाओ, आप लोग को अगर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन की तरह जो सरफेस है वो दिखाई दे रहा है, राइट। जिसके कारण ये इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। क्लास 11 का एक सिंपल टॉपिक है सरफेस टेंशन, इसके लिए ये है सरफेस टेंशन। इसको अगर आप लोग इतना सिंपल तरीके से नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैं और एक टेक्निक आप लोगों को बताता हूँ। पहले सुई को सुखा लीजिए, ठीक है। सुखाने के बाद यहाँ पे एक कागज़ लीजिए, ठीक है। कागज़ के टुकड़ा को इसके ऊपर रखिए। सबसे पहले रखने के बाद ये जनरली ये क्या हो जाएगा, भीग जाएगा। उसके बाद ये जो नीडल है इसको इसके ऊपर छोड़ दीजिए। अभी रखने के बाद ये जो कागज़ का टुकड़ा आप लोगों ने यहाँ पे प्लेस किया, उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ ढकेलिए, वेरी केयरफुली। जैसे ही आप ढकेलेंगे, कागज़ नीचे चला जाएगा और ये जो नीडल है वो फ्लोट करता जाएगा। ये प्रोसेस बहुत बढ़िया है, पहले बार में एक बार में हो गया था, बट इस बार क्या है, ये डेफिनेटली जितना बार आप लोग करेंगे उतना बार ही होगा। तो ऑल इट इज़ ऑल ड्यू टू व्हाट, फिजिक्स। और जो फेनोमेना यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है उसका नाम है सरफेस टेंशन। थैंक यू। और इस टाइप ऑफ वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि और किस तरीके का एक्सपेरिमेंट आप लोग देखना चाहते हैं।